हेलो नमस्कार, मैं हूँ अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम पढ़ेंगे आपके द इंटरव्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। द इंटरव्यू चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया। इस लेक्चर में अपन इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। ठीक है, तो देख लो। In its highest form, an interview is a source of truth and its practice and its art. ठीक है कि इंटरव्यू सोर्स ऑफ ट्रूथ है, कि सत्य का पता चलता है इससे, और है ना एक प्रैक्टिस भी है और प्लस एक कला भी है। सेकेंड देखना है, इट इज़ अ सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन का सर्वोत्तम साधन है कौन? इंटरव्यू। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइट्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यू। डिस्पाइज होता है, उनको अच्छा फील नहीं होता, मतलब विरोध में क्यों उसके इंटरव्यू के। ठीक है, बिकॉज द फील इंटरव्यू इज एन अनवारंटेड इंस्ट्रूजन इन टू द प्राइवेसी ऑफ देयर लाइव्स। ठीक है, कि जो इंटरव्यू होते हैं, जो साक्षात्कार होते हैं ना भाई, ये क्या करते हैं, ये उनसे अनवारंटेड उनकी इच्छा के बजाय इंटरव्यूअर होता है ना, जो उनकी इच्छा के विरुद्ध इंटरव्यू लेता है, और ये ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू से इनकी जो एक प्राइवेसी होती है ना लाइफ की, वो कम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज होती है, ट्रूथ डिस्क्लोज होता है, तो प्राइवेसी भी कम हो जाती है। सेकेंड है, इट सम हाउ डिमाइनाइजेस देम, ये उनको कम करता है, उनकी पद प्रतिष्ठा या कोई भी फेम हो उनका, कम करता है उसको, डिस्ट्रॉय करता है उसको। ठीक है, इट इज इमोरल, अनैतिक है ये। ठीक है, और इट इज ए क्राइम, और एक एक क्राइम भी है, अपन ने चैप्टर में पढ़ा था। तो बस वो छोटी मोटी बातें आप इंटरव्यू के अगेंस्ट में लिख दो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमेटिव कल्चर्स बीइंग फोटोग्राफ्ड। ठीक है, अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, जो आदिकालीन जो कल्चर है ना समाज में, तो फोटोज खींचने पर क्यों क्या महसूस करते थे, वो फोटो खींच जाती थी ना उनकी, तो क्या महसूस करते। इट इज बिलीव दैट इफ वन टेक्स फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, कोई व्यक्ति उनकी फोटो खींच लेता है तो ऑफ सम है ना, खींच लेता कोई व्यक्ति, वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सॉल, तो उनको ये महसूस होता कि फोटो खींचने से उस व्यक्ति की जो आत्मा है ना वो कैद हो जाती है। ठीक है, राइडिंग ऑन दिस बिलीव फोटोग्राफी इज स्ट्रिक्टली बैंड अमॉन्ग देम, और इस बिलीफ के कारण से जो फोटोग्राफी थी ये जो स्ट्रिक्टली बैंड हो गई थी। ठीक है, उनके प्रिमेटिव कल्चर में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन, क्या है थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस ओपिनियन इज एक्सप्रेसेस बाय सॉल बेलो, अपन ने पढ़ा था ना सॉल बेलो के बारे में, उनका क्या ओपिनियन है इंटरव्यू को लेकर, ही फील्स अनइजीनेस एंड टेंशन कॉज्ड बाय एन इंटरव्यूअर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब ये कहते हैं कि भाई मेरे को अनइजीनेस फील होता है और टेंशन फील होती है, किसके कारण, इंटरव्यूअर के कारण, जब वो इंटरव्यू लेता है। ही फील सफोकेशन वाइल गिविंग एंड, उसको घबराहट होती है इंटरव्यू देते समय। ठीक है, इट सीम टू हिम इफ एज इफ द इंटरव्यूअर हैड पुट, ये ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यूअर है उसने जो ना जो थंब है ना, इट हिज थंब ऑन हिज विंड पाइप, विंड पाइप होते सांस नली, तो उसका जो थंब है वो सांस नली पर लगा दिया है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं अपन, व्हाट डू यू थिंक अम्बेर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन आपके, तो आपको क्या लगता है कि अम्बेर्टो इको का जो इंटरव्यू, अपने को पार्ट सेकंड में एक एग्जांपल दे रखा है अम्बेर्टो इको और मुकुंद का जो इंटरव्यू हुआ है, तो आपको क्या लगता है, अम्बेर्टो इको है या इंटरव्यू देने को अच्छा मानते हैं, पसंद है इनको? यस, आई थिंक अम्बेर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज, इस चांसेस दे रहे हैं अपन, एग्जाम्पल दे रहे हैं अपन, ही आंसर्स मुकुंद ऑल क्वेश्चन
इन डिटेल एंड नेवर सीम्स टू बी इन हेट. एकदम डिटेल में जो जो मुकुंद पूछ रहा था उसको बता रहे थे और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो घृणा कर रहे हैं उससे. ही आंसर्स ऑल द क्वेश्चन पेशेंटली. काफ़ी धैर्यपूर्वक और आसान तरीके से उसके ऑल क्वेश्चन का सभी क्वेश्चनों का उत्तर दे रहे थे. थ्रू आउट द इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर से देखते हैं अपन, ही सीम्स टू बी इन ए रिलैक्स्ड मूड. और अपन इंटरव्यू में भी देखते हैं कि वो जब भी बातचीत कर रहे हैं तो काफ़ी उनका मूड है ना जो रिलैक्स लगता है काफ़ी. ठीक है, हिज स्टेटमेंट दैट ही इज ए प्रोफेसर हु राइट्स नाउ ऑन संडे रिफ्लेक्स दैट ही लाइक्स टू बी इंटरव्यूड. तो ये भी इससे ये होता है फिक्स कि उनको अच्छा लगता है इंटरव्यू देना, क्योंकि वो कहते हैं ना, स्टेटमेंट था उनका ही इज ए पर्सन वो रोड पर्सन का ही इज ए प्रोफेसर वो रोड्स नो वाले ऑन संडे रिफ्लेक्ट. ठीक है, ड्यूरिंग इंटरव्यू हीज सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो रिफ्लेक्ट दैट ही लाइक्स इंटरव्यू. और जब ना इंटरव्यू हो रहा था ना उनका, तो उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से मजाकिए वे में बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो इंटरव्यू पसंद करते हैं. टेलिंग हिज सीक्रेट्स एंड आल्सो आल्सो रिफ्लेक्ट दैट ही वॉन्ट्स टू टॉक. और जो अपने सीक्रेट्स बता रहे थे वो, तो उससे भी उनको लग रहा था कि भाई वो बात करना चाहते हैं. ठीक है, तो इससे अपन सिद्ध कर रहे हैं कि लाइक करते हैं इंटरव्यू को. ड्यूरिंग एंटायर इंटरव्यू ही डजंट स्पीक एग्रेसिव अगेंस्ट इंटरव्यू और इंटरव्यूअर. सीधी सी बात, इंटरव्यू के पूरे इंटरव्यू में अपन ने ये चीज़ नहीं देखा कि वो एग्रेसिव मूड में है, और या और ना वो इंटरव्यू को कुछ कह रहे हैं और ना इंटरव्यूअर को कुछ कह रहे हैं. तो ये अपने कुछ ओपिनियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ मैं इस चैप्टर के. तो देखिए दो क्वेश्चन और, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करता हूँ. कुछ ज़्यादा सारे क्वेश्चन नहीं कराए मैंने, कुछ मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने योग्य हैं वो करवाए हैं. तो आप और क्वेश्चंस को भी ज़रूर अपनी गाइड बुक से या कैसे भी आप नोट्स से वो ज़रूर पढ़िए. दो क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन आंसर की वीडियो को कंप्लीट करते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवल द नेम ऑफ द रोज़. द नेम ऑफ द रोज़ जो नोवल था उसकी ह्यूज सक्सेस के पीछे क्या रीज़न है. द नेम ऑफ द रोज़ इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ नोवल. ठीक है ना, इट इज़ ए वेरी सीरियस नोवल. इट इज़ ए ना डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इट डिटेक्टिव भी लगता है, बट इट आल्सो डिवॉल्व इन मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स में भी चला जाता है, फिर थियोलॉजी में भी चला जाता है, एंड मिडवेल हिस्ट्री में भी चला जाता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हैं इसमें. ठीक है, इको सेंस दैट जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपुल लाइक थ्रश एंड डोंट लाइक. ठीक है, पीपल इसको ख़राब समझेंगे, लोग जो भी हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं पब्लिशर होते हैं, कि लोग ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते. ठीक है ना, डोंट लाइक इट, डिफिकल्ट रिगार्डिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, बट दिस वे वॉज नॉट काइंड ऑफ नॉवल. ठीक है, ही सेज माई अमेरिकन पब्लिशर डिड डंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन ए कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन ए कल्चरल एज स्ट्रेजी लैटिन. ठीक है, तो ये ऐसे बताते कि मेरे अमेरिकन पब्लिशर है, उन्होंने भी अपेक्षा नहीं करती कि इसकी इतनी कॉपीज छप जाएंगी. ठीक है ना, इको सेज आई थिंक आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर. अगर मैं 10 साल पहले लिखता ना इसको, है ना, लेटर, इट वुडंट हैव बीन द सेम. ये इतना पॉपुलर नहीं होता शायद. वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज ए मिस्ट्री. और ये पता नहीं क्या कर सकते हैं. अब ये जो है ये तो एक मिस्ट्री ही है, ध्यान नहीं, इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एक अलग से क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन. व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज हेट टू बी इंटरव्यूड. ये आपकी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो. ठीक है, कि जो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज होते हैं वो इंटरव्यू से कैसे चिढ़ते हैं भाई, उनको अच्छा क्यों नहीं लगता. इट इज़ ट्रू दैट इंटरव्यूअर समटाइम्स एम्ब्रेसेज सेलिब्रिटीज विद वेरी पर्सनल क्वेश्चंस. ठीक है, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन आस्क करते हैं लोगों से, है ना, तो वो पीड़ित होते हैं. हैंस मैनी टाइम्स दे अवॉइड्स इंटरव्यू. इसी कारण से वो इंटरव्यूज को अवॉइड करते हैं. इन दिस रिगार्ड वी एस नाइपॉल फील्स दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पीपल लॉज अ पार्ट ऑफ देम सेल्वेज. ठीक है, अपन ने पढ़ा था चैप्टर में. लुइस कैरोल क्या कहते हैं, हैड इज जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू. उनको तो डर लगता है साक्षात्कार लेने वाले से.
सेम वे रुडयार्ड किपलिंग कॉल्स द इंटरव्यू इमोरल और ए क्राइम. ठीक है, आते हैं. द रिपोर्टर्स आस्क देम क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर अचीवमेंट्स एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग देम वेरी पर्सनल क्वेश्चंस. ठीक है, द सेलिब्रिटीज में नॉट लाइक इट टू शेयर एवरीथिंग विद द पब्लिक. ठीक है, जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो सब कुछ शेयर करना नहीं चाहते पब्लिक के साथ. हैंस द इंटरव्यूअर शुड हैव सम प्रोफेशनल एथिक्स एंड शुड नॉट आस्क वेरी प्रोफेशनल. जो भी इंटरव्यूअर्स हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं करने चाहिए. तो ये 7 क्वेश्चन आपके मैंने द इंटरव्यू चैप्टर के कंप्लीट करा दिए हैं. ठीक है, और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं आपके, जैसे 4-5 क्वेश्चन और होंगे तो वो आप ज़रूर खुद करना. ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं. आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड है. ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू वेरी मच.